जिसको अपने गोविंद पर विश्वास होता है उसकी नैया कभी नहीं डूबती है। प्रहलाद को अपने गोविंद पर विश्वास था, प्रहलाद को अपने नारायण पर विश्वास था। एक दिन उसका पिता राज्य में बैठा हुआ था सिंहासन पर, अपने पुत्र से कहता है कि प्रहलाद तेरा हरि कहां पर है, तेरा हरि कहां पर है? वानकी प्रभु ये पूछिए, हे पिताजी ये पूछिए कि मेरा हरि कहां पर कहां नहीं है, मेरा हरि कहां कहां नहीं है। वानकी तेरा हरि सब में है, वानकी हर चीज में मेरा हरि है, हर जीव में मेरा हरि है, हर पक्षी में मेरा हरि है, हर मनुष्य में मेरा हरि है, हर वृक्ष में मेरा हरि है। वानकी अच्छा तो तेरा हरि हर जगह है, वानकी हर जगह मेरा हरि है। वानकी तो इस खंबे में तेरा हरि है, वानकी हां इस खंबे में मेरा हरि है। वानकी अपने हरि से कहो कि इस खंबे में प्रकट हो। जैसे ही प्रहलाद ने अपने हरि को पुकारा है, अपने गोविंद को पुकारा है, हमें सब पर विश्वास होता है लेकिन अपने गोविंद पर विश्वास नहीं होता है। जैसे ही हरि को पुकारा है तो हरि अपने भक्त की खातिर खंबे को फाड़ा है और उसमें से नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। जैसे ही वो उस रूप को देखा है, भगवान के रूप को देखा है, हिरण्यकश्यप की जो है आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसा रूप है, ये कौन है, वानकी ये कौन है? नरसिंह भगवान ने उसको लात मारी है, सिंहासन से नीचे फेंका है, सिंहासन में बैठ गए हैं और उसको उठाया है और अपनी जांघों पर रख लिया है। वानी हे हिरण्यकश्यप, याद कर उस दिन को जब तूने वरदान मांगा था कि जब मेरी मौत आए ना वो दिन हो ना वो रात हो, ना कोई पशु हो ना कोई पक्षी हो, ना कोई जानवर हो ना कोई इंसान हो। हे राक्षस याद कर उसको, उस समय को, उस वरदान को याद कर, देख ले ना सुबह है ना संध्या है, ना दिन है ना रात है, ना पशु है ना पक्षी है, ना जानवर है ना मनुष्य है। देख ले मुझे गौर से, पाप कांप रहा है, जो पाप करता है वो कांपता है, जो चोरी करता है वो चोर डरता है चोरी से कि मेरे हाथों से पाप हो गया, वो पाप कांप रहा है। और जैसे ही भगवान ने उसके शरीर को देखा है, अपने नुकीले नाखूनों से उसके शरीर को, छाती को चीर दिया है। बोलिए नरसिंह भगवान की, हो।